Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. All the links will be in the description box. Namaste, this is Dvija and kaise hain aap? Hum rak kar rahe hain pehli baar Vaibhav Sethia ke Sethia, right? Yeah, stand-up comedy, Indian weddings pe. अभी ऑलरेडी आई बहुत बार हो चुका है इंडियन वेडिंग्स पे, लेकिन एवरी टाइम इट्स रिलेटेबल. क्यों? क्योंकि हम इंडियन वेडिंग्स में जाते हैं, हम इंडियन हैं. और दो सारे आई थिंक गुजरातीज़ की वेडिंग अलग होती है, बंगालीज की वेडिंग अलग होती है, पर ऐसा कुछ फैक्टर है जो हम लोगों को सब लोगों को एक चीज़ लेट करने के लिए मजबूर करती है, काइंड ऑफ, बिकॉज वी आर स्टिल इंडियन. सो इट्स फन, इट्स गोइंग टू बी फन. आई होप सो इट्स गोइंग टू, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फन. वैसे तो इट इज फन टू वॉच एनी थिंग अबाउट वेडिंग्स एंड एवरी थिंग. लेट्स गो. पहली बार है सो पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करना, बट ऑल आई एक्सपेक्ट कि मजा आए, होप वी एन्जॉय. और जिन्होंने ये चीज रिकमेंड की थी, आई होप यू आर हैप्पी, बिकॉज काफी टाइम से वॉच लेटर में वीडियो बेचारा पड़ा था, बट वी आर कम्प्लीटिंग एवरी थिंग वन बाय वन. प्ले. फाइनली बारात वारात खत्म हुई, खत्म हो हुआ के हम लोग मंडप में पहुंचे शादी करने के लिए. ओके, उनकी खुद की शादी. आई कैन टेल यू एज अ विटनेस एंड गोइंग थ्रू द एक्सपीरियंस, क्या हबा बोरिंग होता है शादी करना. ओह माय गॉड, दुनिया में दो घंटे तो कुछ नहीं करने, एक होता रहेगा, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट तुमको ऐसा हाँ सिंसियर रहना. सो फकिंग बोरिंग, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू. कुछ क्या करोगे तुम बैठे बैठे कुछ. एंड फन फैक्ट, उस दिन उस पूरे वेन्यू पे सिर्फ तुम दो बोर हो रहे हो. मस्त खाना खा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, ऐश मार रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आपस में. पंडित भी तीनों बॉनफायर कर रहे हैं, ये स्वाहा तो ये स्वाहा, और ये लेके मेरा स्वाहा, सब अपना अपना कर रहे हैं. तुम्हारे पास फोन में टक करने को नहीं, हाथ बांधा हुआ है यहाँ पे, और पसीना आ रहा, पसीना नहीं पोछ पा रहा हूँ यार. मेरे को याद है मैं इतना बोर हो रहा था, यहाँ भट्टी के बाजू में बिठा दिया, पसीना तो आ ही रहा, एक पसीना यहाँ से लटक रहा था, मैं इतना बोर हो रहा हूँ मैं उस पसीने से खेल रहा हूँ. फिर वो भी नहीं गिर रहा है ना, देख रहा हूँ गिरेगा कि नहीं, ये पता नहीं ऐसे लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओ हो, ये देख मम्मी उल्टी दिख रही है. ओए होए, एक फ्रेम में तो आग और पानी सेम दिख रहा, मैं तो साथ में हूँ, ये हुई ना बात यार, मजा आ गया. देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू, क्या करोगे. मैं मेंटली प्रिपेयर करके आया था, दो ढाई घंटे बोर होना, फिर पंडित जी बोलेंगे ना तो मैं सात बार घूम जाऊंगा, शादी हो गई. बीच में पंडित जी बोलते अभी आप लोग कस्मे खाएंगे. फक एक्टिविटी, बोलो 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 क्या करना है, आप बोलो ना अभी जो बोलोगे करेंगे यार, कुछ करते हैं प्लीज यार. ही इज सात कस्में खानी है, सो ही इज मेकिंग सेवन स्मॉल हीप्स ऑफ राइस. अब वो बना रहे हैं तो मैं भी बनाने लग गया. अपेरेंटली मेरे को बनाना नहीं था, और वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, मंत्र पढ़ते पढ़ते बनाना है उनको, तो वो ना नहीं कर पा रहे. अब मैं भी बना रहा हूँ सब, अरे सही तो बना रहा हूँ, क्या दिक्कत है. तो ठीक है बनाओ यार आप अपना. फिर फाइनली उन्होंने अपने साथ बनाए, बोले यार आपको नहीं बनाना, मैं बना रहा हूँ ना, आपको कसमें खानी है, और हर कसम के बाद ना आप ऐसे पाँव से चावल बिखेर देना, खाने पे पाँव मार दो. बोले हाँ हाँ आज शगुन होता है. आप श्योर हो पंडित जी, प्रिंसिपल से डाइसी लग रहे हैं आपके थोड़े. पता नहीं मेरी शादी वैलिडेट होगी कि नहीं. पड़ी है, उस टाइम बहस का मूड नहीं था, माहौल नहीं था, सो आई डिड इट. ओके, आई डिड इट. आप प्रोटेक्ट करेंगे, आप प्रोवाइड करेंगे, आप ये आप वो, मैंने छह कर दिए. फॉर द सेवेंथ ही स्टॉप मी एंड ही सेड, ये आपके लिए नहीं है, वधू के लिए. वधू, आप बोलिए, ये दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात. My wife said, and I quote, "Hey, that's
she had the pandit. Do you the pandit is like, huh? बोथ रिफ्यूजिंग डिग्री तो इसमें है क्या कर रही है इसमें हाँ क्या कर पागल हो गया क्या ये है हाँ है हाँ मैंने रोका मैंने पंडित जी एक मिनट आपके पास कोई अल्टरनेट का समय क्या पढ़ी लिखी लड़की कैन बी गेट बियॉन्ड द रिग्रेसिवनेस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग मैं दिन में 3 बजे उठता हूँ मेरा दिन रात ऐसे ही फक्ड अप है आप कोई एंगल से सही नहीं आई थिंक माय जनरेशन का मैं इंग्लिश ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता यार करने को कुछ नहीं सो फकिंग बोरिंग बैठे रहो बस शादी बस बैठे रहो देख रहे हो लोगों बहुत देखा यार मैं इतना घूर रहा था पता है पता नहीं कितनी बार ही हो गया ऐसे नहीं होता आपने कभी कभी देख रहे हैं पर नहीं देख रहे You're in the zone, like, in your own zone. मैं इतनी बार अटका ना लोग आके बोल कैसा क्रीप है अपनी शादी में घूर रहा हूँ उधर हट अरे नहीं बोल रहे मैं भी मैं इतना देख रहा था ना आई स्टार्टेड नोटिसिंग पैटर्न्स पता है कोई भी इंडियन शादी में एनी इंडियन वेडिंग ऑल द मैन इन द फैमिली सबके हाथ में ना एक पर्स होगा एक लेडीज पर्स विद सम लेडी हैज वेरी कन्वीनियंटली तुम एक मिनट पकड़ो एक मिनट पकड़ो तुम्हारा क्या काम उधर आरती की थाली से पकड़ो एक मिनट मेरा पल्लूरी से पकड़ो दो मिनट पकड़ो और दो कदम हाँ उसमें गहने संभाल के रखना अचानक से पर्स में 15 लाख रुपए की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अब मैं पूरी शादी 15 लाख रुपए तेरे पास 15 लाख रुपए तेरे पास 15 लाख में ध्यान से संभाल के मैं खाना खा रहा हूँ ना पर्स यहाँ डाल के ऐसे खा रहा हूँ सामने से पापा जा रहे हैं पापा के हाथ में 2 पर्स है एक मम्मी का एक पता नहीं किसका सम रैंडम लेडीज लाइक तुम एक मिनट पकड़ो यार तुम्हारा क्या काम है उधर आरती की थाली सजरी पकड़ो एक मिनट फाइनली फेरे वेरे सब खत्म हो गए और शादी कंप्लीट हो गई थोड़ा सेंटी सा सीन हो गया विदाई का टाइम आया थोड़ा सेंटी सा हो गया लाइक माय वाइफ इज क्राइंग हर रिलेटिव्स आर क्राइंग इवन हर डिस्टेंट रिलेटिव्स आर क्राइंग तुम क्यों रो रहे हो तुम्हारे तो घर से भी नहीं गई तुम्हारे बीच में तो डिस्टेंस ही चेंज नहीं हुआ ना शी इज स्टिल 1 फोन कॉल में फर्क क्या पड़ गया तुम्हारी जिंदगी में फिर मैं देख रहा हूँ मेरे घर वाले भी रो रहे हैं इट्स द इमोशन दैट ट्रैवल्स यू नो मतलब तुम क्यों रो रहे हो पागल हो गए मेरे पे प्रेशर आ रहा है ना मैं इकलौता नहीं रो रहा हूँ सब रो रहे मैं नहीं रो मेरे को ऐसा लग रहा कैसा कठोर दिल आदमी हूँ यार सबको इतना दुख हो रहा है मेरे को दुख क्यों नहीं हो रहा है यार मेरे अंदर एम्पैथी नहीं है क्या अभी तो कसम खा के आया था बीवी का दुख मैं साथ दूंगा दुखी नहीं समझ पा रहा बीवी का इतना दुख ना लोगों को हो नहीं रहा होता आई फिगर्ड दिस थिंग विदाइयों में ना इंडक्शन क्राइंग हो रही है लोग दूसरों को देख के अपना ही दुख याद करके आज रोने का मौका मिला है रो देते हैं पुराना दुख रिवाइज कर लेते कहीं छोटा मोटा भी चलेगा सुबह पराठे बनाए थे चल गए इन्होंने डांट दिया मेरे को अच्छा नहीं लगा कुछ भी छोटा मोटा घुटने दुख रहे सुबह से पूछा ही नहीं रो दो कुछ भी छोटा मोटा भी चलेगा रो दो सब रो रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा और सब रो रहे हैं मेरे पे प्रेशर बढ़ते जा रहा कि मैं ही नहीं रो रहा हूँ खाली तो मैं रोने की कोशिश भी कर रहा हूँ यार बहुत ट्राई किया मैंने यू हैव टू आए नहीं रहा यार रोना फिर बहुत देर तक मैं फेल लग रहा ना तो मैं ऐसे लाइट में देखने लग गया गधा लग रहा हूँ 50 जन फूट फूट के रो रहे हैं दूल्हा 45 डिग्री पे गधे की तरह ऐसे अगर सच में हुआ होगा तो वीडियो ऐसे नहीं होगा वीडियो में आया होगा ना दुख याद कर ले और मेरे को तो तुरंत रोना है और इमीडिएटली अच्छे से रोना है तो बड़ा दुख मैंने सोचा एक बार एक काम करते किसी को मार देते फूफा जी ज्यादा क्लोज नहीं मार देते मन में दुख ही नहीं हो रहा यार और लोग रोए जा क्या रो रहे ओहो क्या एक दो जन तो ओहो क्या रो रहे हैं ऐसा लग रहा है उनको देख के काश मैं ऐसे रो पाता काश क्या रो रहे हैं यार दुखी नहीं हो रहा यार और प्रेशर बढ़ते जा रहा है ऑकवर्ड होते जा रहा हूँ क्योंकि सब रो रहे मैं नहीं रो रहा इतनी देर से तो ये सारी ऑकवर्डनेस में मेरे मुंह से एक जोक निकल गया ओके मैंने बोला
इतना बुरा लग रहा था, मैं ले जाओ वापस. उनको चमका ही नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, वो और फूट फूट के रोने लग गए. अगले दिन मैं मदर इन लॉ से भी, कुंवर जी आपने बड़े मजाक किया हो, कल तो हक दिया था आपने, बेइज्जती कर दी. तब बोला था ना दौड़ने ने जोक मारा, ताली बजाओ, मजा मूड बदल देगा सबका. एक तो ना यार, विदाई खत्म कैसे हो? What marks the end of विदाई? सब जन साइमल्टेनियसली साथ में तो रोना बंद नहीं करेंगे. कभी ना कभी तो ऐसा होगा, तुम चल रहे हो और वो 20% रह गए रोते हुए. तुम देखो, फ्रेंकली आपका उतना मैटर नहीं करता है, हम क्या खड़े रहेंगे क्या? आप बंद ही नहीं कर रहे हो यार रोना, 15 मिनट हो गए, आपको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए था ना. अभी सब बंद कर गए तब आप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसे ही तो हम क्या खड़े रहेंगे यहाँ पे इतनी देर तक. फाइनली सब रोना धोना भी सब खत्म हो गया. हम लोग गाड़ी में जाके बैठे. पंडित जी बोलते, एक मिनट, एक रस्म रह गई है, वधु के पापा को बुलाइए. ठीक है, कोई बात नहीं. नाउ यू नो माय फादर इन लॉ इज वन ऑफ दोज पीपल, थोड़ा सा ना ऐसे स्ट्रिक्ट से है. आज तक कभी जिंदगी में किसी को इमोशन ही नहीं दिखाया, कोई पब्लिकली कोई इमोशन दिखाया, और आज सबके सामने वन आंसू पर चीक. Very vulnerable moment. Oh my God. And it's, you know, it's dawning upon him कि 25 साल में घर आता, you know, I used to share my day, share my daughter's day, मेरी बेटी मेरे घर पे रहती है, share a joke, have dinner with her. अब मैं घर आऊंगा वो नहीं रहेगी कभी भी, 25 साल के बाद अब वो कभी नहीं रहेगी, वो किसी और के साथ रहेगी. And he's never hugged his daughter, so he really wants to hug his daughter today. So he's parting the crowd, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो बेटी को हग करने वाले हैं, उतने में पंडित जी बीच में थाली डाल दी. और थाली भी पकड़ नहीं पा रहे. वीडियोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स एंड बस किसका है, सबको बता रहा है. मेरी विदाई में मेरे ससुर जी लाल रंग का चमकीला पर्स, पर्स किसका है? सी, मैंने सही कहा था राइट स्टार्टिंग में कि हर जगह शादियां अलग तरीके से होती है, लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इंडियन वेडिंग्स आर सिमिलर. और बहुत सी चीज़ें होती है जो हम रिलेट कर पाते हैं, तो आई वॉज वेरी करेक्ट विद दिस. एंड एज आई सेड, वीडियोग्राफर्स होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, ये दो स्पेशली, आई जस्ट फील लाइक उनको मोमेंट कैप्चर करना होता है, तो इतने पैशनेट होते हैं अपने काम के लिए वो, जो बहुत अच्छी चीज़ है. लेकिन मैंने देखा है सब, देर आर पीपल क्राइंग, इमोशंस चल रहे हैं, देर जस्ट हैविंग द मोमेंट, और ये बीच में यू नो ब्राइड के मुँह पे लाइक, अच्छा ये रो रही है, ओके ये भी रो रहा है, ये डू दैट. I hope he had covered that point because that's really funny. But it's okay, no problem. I truly enjoyed. Starting mein was not that fun for me, so I was like, oh, I'm enjoying it. Like itna maza nahi aa raha hai, but end mein it picked up really well for me. So jinhone bhi ye recommend kiya tha, I hope you're happy with this, and I'm happy that you recommended aur maine kiya bhi. So thank you, and I will see you guys next time. Bye berries, love you.